फिर सामने आ रही है दुनिया के कोने कोने से, दुनिया के बड़े बड़े शहरों से, जहां पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ध्यान में रखते हुए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कई तरह के हर जगह हम सुन सकते हैं रामलला के लिए भजनों की आवाज गूंज रही है। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, अर्थात जब प्रभु की कृपा होती है तो सारे काम हो जाते हैं। 500 वर्षों के तप के बाद आखिरकार सोमवार को, यानी हम कह सकते हैं कि आज प्रभु श्री राम लल्ला अपने नवे भव्य और दिव्य महल में विराजने जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी समेत संत समाज, अति विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में आज रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अनुष्ठान संपन्न होने जा रहा है। अयोध्या नगरी इस वक्त अपने अलौकिक रूप में है, अपने अद्भुत रूप में है, फूलों की तरह सजी हुई है। अवधपुरी में ही नहीं, पूरे देश में एक उत्सव सा माहौल है। आज अयोध्या धाम समेत पूरे देश के मंदिरों में राम संकीर्तन और रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। लगातार हम आपको लाइव विजुअल्स दिखा रहे थे जब मशहूर गायक सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल, शंकर महादेवन सरीखे एक से बढ़कर एक लोग वहां पहुंचे हैं और उन्होंने कैसे अपनी मधुर ध्वनि से, अपने भजन से पूरे माहौल को और भी ज्यादा राममय बना दिया है। राम की भक्ति की ये शक्ति है जो आज अपने पूर्ण रूप में सामने आ रही है। बिल्कुल, तो इन तस्वीरों के जरिए आप भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर को देख सकते हैं। प्रभु श्री राम का ये मंदिर और आज पूरा अयोध्या, नर नारी हर कोई आज खुश है, खुशियों से झूम रहा है। वहां की गलियां आज नाच रही हैं, गा रही हैं, मंगल गान गा रही हैं। हर एक कदम, हर एक पग सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में जा रहा है, भगवान श्री राम के इस अद्भुत मंदिर की तरफ। और वो कहते हैं कि जिनकी विरह में आप दिन रात सोचते हैं, घुल मिल जाते हैं, जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप और हम भी इन तस्वीरों के जरिए, हम आपको वो एक एक पल, एक एक क्षण की वो तस्वीरें आपके अपने समाचार चैनल, आपके अपने चैनल दूरदर्शन के जरिए लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप भी भगवान राम के, अपने आराध्य के भक्ति में डूब जाए। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में महज कुछ ही मिनटों का समय बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं और इससे पहले शुभ संस्कारों की शुरुआत मंगलवार 16 जनवरी को ही हो गई थी। 21 जनवरी रविवार तक ये जारी रही और प्राण प्रतिष्ठा के लिए 12:29:08 से लेकर 12:30:32 का मुहूर्त चुना गया है। और हम सभी जानते हैं कि अयोध्या की जो जड़ें हैं वो हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से अंतर्निहित है, खासकर महाकाव्य रामायण में। और अयोध्या की कथा सरयू के बिना तो बिल्कुल अधूरी है। माना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अवतरण और लीला परमधाम गमन की साक्षी रही सरयू नदी का उद्गम स्थल कैलाश मानसरोवर है। और मान्यता यह भी है कि सरयू के रूप में भगवान के आंसू अयोध्या में प्रवाहित हैं। और इस नदी का जो वर्णन है वो तो ऋग्वेद में भी मिलता है। और हम लगातार आपको इस बात को बता रहे हैं सुबह से ही कि अयोध्या के प्रभाव को, उसके महात्म्य को वही जान सकता है जिनके हृदय में भगवान श्री राम विराजमान हो। अभी बैठने की कृपा करें, जब वो पैदल चलकर आएंगे तो आपको लग जाएगा। वो पैदल आने के लिए उन्होंने सूचना दी है, वो पैदल आएंगे। अभी बैठ जाइए, मैं उत्तरी भाग के संतों से निवेदन करता हूं, बैठ जाइए, बैठ जाइए।
प्रधानमंत्री जी पूर्वी द्वार से पैदल भगवान का एक छत्र लेकर ऊपर चढ़ रहे हैं। वो सीधे गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। सिंह द्वार से प्रवेश हो गया। नृत्य मंडप में प्रवेश कर गए। रंग मंडप में प्रवेश हो गया। अब वो पूर्ण मंडप में प्रवेश करने वाले हैं। वहीं पर सब ट्रस्टीगण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष साक्षी होने जा रहे हैं, जो विश्व में एक इतिहास रचेगा। श्री अयोध्या धाम, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है। आज उल्लास चारों ओर, आज चेतना का संचार होने जा रहा है भगवान श्री राम की उस मूर्ति में, जो इस वक्त थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ मंत्री साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित हैं श्री राम लला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए, और प्रधानमंत्री एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो छह गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो छहों के छहों परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं, और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जा करके अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। और शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं, वो काशी से पधारे हैं। वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहाँ पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु हैं। इसलिए काशी भी मगन है, क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए निकाला था। और इस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही विशिष्ट मेहमान प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। अनंत अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण। वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न, क्योंकि स्वामी सखा और मित्र ये तीनों ही संबंध भगवान शिव का भगवान श्री राम से। आधे अद्भुत क्षण आपके समक्ष, प्राण प्रतिष्ठा का समय, अद्भुत क्षण, युगांतकारी क्षण, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण। उसके बाद कहा जा सकता है अरुण गान पर महाप्रगति का, अब यह मंगल गान उठा है, करवट बदली अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा है। ये संकल्प के सिद्धि होने का दिन है, ये हमारे पुरखों से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है, ये विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण करने का दिन है, ये उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है, नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है, आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है,
आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है, आज हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, तर्पण का दिन है, पुरखों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है, आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय, जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिलाई, तो ये जो पौष मास है अश्विनी, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है, सभी पुरखों के लिए हम तर्पण करते हैं इस पवित्र मास में। और आज द्वादशी की तिथि है, द्वादशी की तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि, वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया उस मंदराचल पर्वत को, जहाँ से मथने के बाद अनेक रत्न पैदा हुए, जो आज भी सृष्टि की, प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं रत्नों में, सबसे पहले विष निकला, जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं से अमृत भी निकला, आज वही अमृत निकलेगा भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के बाद। आज कूर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है हनुमान, जो कि महाराजाधिराज हैं। आज सबसे ज़्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं, वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं, आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में, आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे, और साथ ही साथ पुराने जो विग्रह है उसके 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 समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने ही वाले हैं, और बहुत ही पवित्र दिन आज का और द्वादशी का दिन। कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी, ठीक उसी तरह से जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, अद्भुत दिन जिसमें ये परम योग बना है, इंद्र योग, आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पूर्व कालामृतानुसार जो बाण पंचक सिद्धि योग नहीं होने से ये संजीवनी योग बन रहा है। आप स्पष्ट तौर पर समझे कि ये जो पंच बाण हैं, पंच बाण न होने से ये संजीवनी योग, और लग्नेश मंगल में होने से, नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि होने से राजयोग बन रहा है। इस अद्भुत क्षण में, इस अद्भुत योग में ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 12:30 बजे, जिसके लिए 84 सेकंड्स का समय निर्धारित किया गया है। आप समझिए कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य हैं, और उनके होते हुए पौषे राज्य विविध स्यात, यह बृहस्पति वचन यहाँ चरितार्थ होता है। तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का जो जो अब जो प्रण है, भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है, वो अद्भुत है, और इससे राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य अवश्य मदद मिलेगी। और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है, और अब से थोड़ी ही देर में वो दिव्य क्षण आने वाला है जब भगवान श्री राम में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। निश्चित तौर से वह क्षण समीप है जिसका इंतजार सदियों से लोगों का था, वो क्षण समीप है जिसका समूचा चराचर, यक्ष, गंधर्व, सुर, नर, हर कोई आकर उसका साक्षी बन रहा है। समूचे भारत के सभी पंथ, संप्रदाय, मत, मतांतर, सभी धर्मों के धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, हर कोई यहाँ मौजूद है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो इन्हीं क्षणों के लिए कहा गया है कि नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। असंख्य जो बलिदान दिए गए उस पर आज संकल्प के सिद्धि का दिन है। आज इतिहास तो अयोध्या में लिखा ही जा रहा है, आज एक नए सांस्कृतिक युग का सूत्रपात भी अयोध्या से हो रहा है। और आह्वान किया जा सकता है संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदय हो चुका वीर, अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं, अपने खून पसीने से
नवयुग धरती पर लाएं। नवयुग की कामना धरती पर नवयुग लाने की कामना हमारी ही संस्कृति करती है, जो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो आंगो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वता की बात करती है, जो सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की बात करती है, जो संपूर्ण चराचर के कल्याण की बात करती है, हमारी ही संस्कृति है, जो समस्त विश्व में बंधुत्व और लोक कल्याण के लिए प्रार्थना करती है, मंत्र देती है। अजय, और जिस तरह से हम कह रहे थे ये आप भगवान श्री राम का विग्रह देख रहे हैं, जिन्होंने इस प्राचीन स्वरूप में, इसी स्वरूप में लोगों को दर्शन दिए। भगवान श्री राम, भगवान भरत, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न के साथ लगातार चारों भाइयों के बाल रूप में दर्शन देते रहे, और आज वो भी स्वर्ण के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होंगे, और साथ में ही दोनों ही मूर्तियों के जो दर्शन होंगे वो दर्शनों को प्राप्त होंगे, तीर्थयात्रियों को प्राप्त होंगे। बहुत ही आनंद का क्षण जब भगवान श्री राम कृष्ण मूर्ति में, क्योंकि कहते हैं कि कलयुग में भगवान का जो वर्ण है वो कृष्ण है, सत्युग में भगवान का वर्ण पीत था, त्रेता में भगवान का जो वर्ण यानी रक्त है जो लाल रंग का रक्त वर्ण का हुआ, और द्वापर में वो नीले रंग के हुए, और अब कलयुग में कृष्ण वर्ण के लिए, और इसीलिए जो मूर्ति का निर्माण है वो कृष्ण मूर्ति का निर्माण किया गया है, और 51 इंच की जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाएगी शुभ मुहूर्त में, उसके बाद उसी पुराने विग्रह के साथ में जो रामलला के साथ देख रहे हैं के सामने चार भाइयों के साथ में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है वो भी दर्शन देंगे, जो कि स्वर्ण सिंहासन पर विराज चुके हैं। आप देखिए कि जो मूर्ति कितनी अद्भुत छवि है, उनके हाथ में धनुष बाण दे रहे हैं, और उन्हीं प्राचीन मित्रों के साथ समक्ष बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जगत के कल्याण की कामना करने के लिए संकल्पबद्ध हो रहे हैं, और भारत को, भारतीयता को, सनातन को, शांति और सद्भावना के प्रसार के लिए जो ये जो सनातन धर्म ने जो ये अद्भुत कार्य किया है उसको आगे बढ़ाते हैं प्रधानमंत्री आज इस ये भावना हमेशा घनीभूत रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो क्षण देखा जब 9 और 10 नवंबर 1989 को प्रधानमंत्री ने उस समय देखा अनिकेत एक लेख में साधना पत्रिका में, और उन्होंने कहा कि यह क्षण सांस्कृतिक स्वतंत्रता का जयघोष करता है, हिंदू चेतना प्रकाश स्तंभ का दिन है जब रामशिला पूजन हुआ। साथ ही साथ 1990 के दशक में आडवाणी जी के रथ यात्रा के साथ में गुजरात में समन्वय की भूमिका में रहे, तत्कालीन भाजपा महासचिव के रूप में 6 सूत्रधारा का उन्होंने भ्रमण किया। उस भ्रमण के दौरान दो राज भी पड़ा जिसमें केवल जल का भोग करके ही 6 करोड़ से अधिक गाँव में प्रधानमंत्री ने संबोधित रथ यात्रा का कुशल संचालन किया, समन्वय किया। सोमनाथ से अयोध्या की इस यात्रा के साथ ही अगर देखें तो एक वीरव्रति के रूप नवरात्र के समय जल पीकर 18 घंटे से एक वीरव्रति के रूप में प्रधानमंत्री ने तत्कालीन महासचिव भाजपा के बीजेपी इकाई के थे उन्होंने अंशदान किया। और अगर एकात्मता यात्रा की बात करें 1992 में 14 जनवरी कार्यकर्ता के रूप में आए थे, शपथ लिया था। यहाँ पर जब भव्य मंदिर का निर्माण हुआ तो उनका पुनरागमन हुआ, और वह क्षण आज अंकं खं 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 आम लिपिते
हेलीकॉप्टर अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स सब वहीं पर एकत्रित हैं।
रघुपति राघव राम पतित पावन सीताराम। प्लीज सब्सक्राइब टू KTV Telugu channel।